Good morning everyone, hope you are preparing well for your examination and welcome to assessment to selection. In this video, मैं आपको joint military exercise of India के बारे में बताऊंगा, जिसमें army, navy, air force तीनों की exercise के बारे में बताऊंगा, और इसमें आपको मैं क्या उसके motto हैं, कब से कब तक हुई, कहाँ किस location पर हुई, सभी चीज़ों के ऊपर step by step हम आगे बढ़ेंगे. ये आपके exam के point of view से and आपके intro के point of view से और आपके GK के question के point of view से एंड ये आपके क्वालिफिकेशन में भी आप इसके पर्टिकुलर पॉइंट यूज कर सकते हैं. यदि आप किसी कंट्री के बारे में रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं तब बात कर सकते हैं, या आप इसके अकॉर्डिंग आप जब लेक्चरेट का टॉपिक दे रहे हैं उसमें भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि एक डिफेंस एस्पिरेंट को इसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए. तो यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट, क्लिक ऑन बेल आइकॉन फॉर डेली अपडेट्स सो दैट यू कैन गेट डेली अपडेट्स थ्रू द नोटिफिकेशन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट इट्स ऑल्सो motivates me and you can help your friend also. So let's start please. जो पहले मैं इंडियन आर्मी की जॉइंट एक्सरसाइज के बारे में बात करूँगा. जो विनबैक्स वन है, जो फर्स्ट टाइम, जैसे जहाँ भी वन होता है फर्स्ट टाइम, इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई थी. ये 29 जनवरी और 3 फरवरी 2018 के बीच में हुई थी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के एरिए में हुई थी. और ये फर्स्ट टाइम थी जिसमें दो नेशन एक साथ एक्सरसाइज में अपनी डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक्सरसाइज की गई थी. इसके बाद में वज्रा प्रहार जो एक्सरसाइज हुई थी, जो कि इंडिया और यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बीच में हुई थी, जो कि जनवरी में हेल्ड हुई थी, जो ज्वाइंट बेस लेविस मैकटोड और सिटल यूएस में हुई थी. इस ज्वाइंट एक्सरसाइज जो मिलिट्री एक्सरसाइज है अल्टरनेटिव इन इंडिया एंड यूएस, एक बार इंडिया में होती है और एक बार किस में होती है, अपना यूएस में होती है. इसका जो मेन मोटो है कि बेस्ट प्रैक्टिस बिटवीन द टू आर्मीज एंड मैचुअल एक्सचेंज ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. देखो, लड़ाई के दौरान प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी एक्सरसाइज एक लड़ाई का एक पार्ट होता है, अपनी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ट्रेनिंग के पार्ट में आता है. उसके बाद में बात करते हैं शक्ति फोर. उसके बाद में आता है शक्ति फोर जो कि फ्रांस में हेल्ड हुआ था और ये भी जनवरी के और फरवरी के मंथ में हुआ था. मिलिबी कैंप में ये फ्रांस के अंदर में वहाँ पे एक्सरसाइज हुई थी. इन द इन्विटेशन ऑफ द फ्रेंच चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देखिए, इंडिया डिप्लॉय 45 पर्सनल स्पेशलाइजिंग इन द माउंटेन कॉम्बैट इन फ्रांस. तो वहाँ पे माउंटेन कॉम्बैट के ऊपर में हमने, जिसे हमारे जेंड की और ईस्टर्न पार्ट में जो हमारा मैक्सिमम जो माउंटेन के ऊपर डिपेंड होती है वहाँ पर एक्सरसाइज होती है, उसको रिलेटिव वहाँ पर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी. उसके बाद लैमेटे 8 और ये सैचलिस में हुई थी, जो कि फरवरी के मंथ में हुई थी, जिसमें माहे जो सिलीचियस के अंदर में दिशा 8th एक्सरसाइज जो बायलेटरल जो एक्सरसाइज है बिटवीन टू कंट्री के बीच में हर साल होती है. आप खंजर 5 जो कजाकिस्तान में हुई थी, जो कि मार्च में हुई थी, जो विजारंग इंडिया में, जो कि एक सिलचर के पास में एक जगह है वहाँ पर हुई थी. इसका मेन जो है इंडिया असम और मिजोरम के बॉर्डर के पास में पड़ता है. इसका मेन जो था मोटो था तो काउंटर द इंसर्जेंसी जंगल वारफेयर जो स्कूल है वहाँ पे हुई थी, और इसका जंगल वारफेयर के प्रति अपनी स्ट्रेटजिक और प्लानिंग और वहाँ पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कौन सी टेक्निक और किस तरह से, सभी चीज़ों पर उन्होंने एक्सरसाइज किया और उसके इम्प्रूवमेंट के काफ़ी पार्ट्स मिले हैं. अरिमाओ शक्ति जो कि मलेशिया के अंदर में हुई थी, जो 30 अप्रैल और मई के महीने में हुई थी, हुलु लंगात में मलेशिया के अंदर में हुई थी, जिसमें जो जंगल और जो है ना वहाँ पे हुलु लंगात एक जंगल का नाम है, जो टू आर्मी इंगेज द स्टोरी ऑफ सीरीज ऑफ गोरिल्ला वारफेयर के बारे में, जिसमें अपना छुपके, जो आपने देखा होगा स्नाइपर्स जो छुपके करते हैं अपना उस हिसाब से, और एक ऐसे एक अलग है, मैं उसके बारे में अलग से वीडियो आपको लेके आऊँगा. उसके बाद में सूर्य किरण अपना 13 जो नेपाल के साथ में हमारे हर साल होती है, वो मई और जून के मंथ में हुई थी, जो पिथौरागढ़ अपने उत्तराखंड स्टेट के बीच में. और एम ऑफ द एक्सरसाइज वाज कंडक्ट ए बटालियन लेवल ज्वाइंट ट्रेनिंग बिटवीन द विद इन द एम्फेसाइज ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी इन माउंटेन, ठीक है, टेरेन. तो ये हमारे माउंटेन जो पिथौरागढ़ में पहाड़ी का इलाका है, वैसे ही सेम हमारा जेंट के पार्ट्स में भी ऐसे ही है. तो उसी को एक माउंटेन कि जो CICT का अलग एरिया होता है, माउंटेन के एक्सरसाइज होते हैं, गोरिल्ला की अलग अलग एक्सरसाइज, तो इनके बारे में आपको अलग से मैं एक वीडियो लेके आऊँगा. उसके मैत्री थाईलैंड के बीच में हमारे हर साल होती है और 6 से 9 अगस्त के अंदर हुआ थी. और जो चिकंगोशिया थाईलैंड के अंदर में दी एक्सरसाइज फोकस द एंटी टेरर कोऑपरेशन, ठीक है, एंटी टेरर जो हमें इंटरनल जो होता है उसके ऊपर काफ़ी एम्फसाइज किया गया था. उसके बाद में जो लास्ट इंडियन आर्मी की ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई थी वो SCO पीस मिशन, जो जितने भी SCO थे
ठीक है, शंघाई कॉपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो जितने भी मेंबर थे, 8 मेंबर थे नेशन थे, उनके सबने मिलकर यहाँ पे फर्स्ट टाइम 22 29 अगस्त के बीच में एक एक्सरसाइज की थी। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी 8 नेशन, उनके नाम अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये एक्सरसाइज का फोकस था काउंटर एंटी टेररिज्म के ऊपर जोर देना। अब कुछ नेवल एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। इस साल में 3 नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई हैं, एक अलाहाबाद जो जापान इंडिया एंड यूएस तीनों के बीच में हुई थी, जो कि 7 to 16 जून के बीच में गोम, एक जो गोम जगह का नाम है जो स्पेसिफिक ओशन के अंदर में आता है। उसके बाद में वरुणा जो फ्रांस में कंडक्ट हुई थी मार्च के मंथ में, और वास्को डी गामा जो हमारे गोवा के पास में एरिया पड़ता है वहाँ पे ये कंडक्ट हुई थी। उसके बाद रिमपैक 2018 जो कि बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है, और इसमें 26 कंट्रीज ने भाग लिया था, जो जुलाई और अगस्त 2 महीने में चली थी। होनोलुलु जो हवाई एरिया है हमारे, वहाँ पे इस एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स की जो कुछ 3 एक्सरसाइज हुई हैं इस साल, तो उनके ऊपर बात करते हैं। पहले है पिच ब्लैंक, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, नीदरलैंड, जो फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ठीक है, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, ये जब कंट्रीज ने पार्ट लिया था, जो जुलाई और अगस्त मंथ में हुई थी, जो डार्विन एयरफोर्स बेस जो ऑस्ट्रेलिया उसका मेन सेंटर था, ठीक है। और बायलैटरल एक्सरसाइज हुई थी जो मलेशिया के बीच में, हमारे दो देशों के बीच में, जो 20 से 22 अगस्त के बीच में हुई थी, जो सुभांग एयरबेस है जो मलेशिया, वहाँ पे इस एक्सरसाइज का मेन कंडक्ट किया गया था। उसके बाद में अगेन पिच ब्लैक, जो मैं ऑलरेडी उसके बारे में बता चुका हूँ मैं, तो ये दो एक्सरसाइज हमारी कंडक्ट हुई थी। यदि अभी भी है कुछ डाउट्स और क्वेश्चन, या भी आपके दिमाग में है, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। यदि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट, क्लिक ऑन बेल आइकॉन्स फॉर डेली अपडेट्स, शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन हेल्प दैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।